गुमला में शराबियों को लेकर पुलिस अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। शहर के विभिन्न जगहों से लगभग दर्जन भर शराबियों को पुलिस ने देर शाम हिरासत में लिया है। मामला शहर के आसपास के इलाके का है, जहां शहर में खुलेआम शराब पी रहे शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि पुलिस ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ भी दिया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतिशाम बकारीफ को शहर के कुछ सार्वजनिक जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा खुलेआम शराब पीने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर शराबियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने गुमला के बस स्टैंड, स्टेडियम एवं शहर के विभिन्न स्थलों से लगभग दर्जन भर शराबियों को शराब पीते रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद सभी को देर रात हिरासत में ले लिया गया, साथ ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। बीते रात्रि में जो है कुछ लोगों को बाजार से और सार्वजनिक जगह से जुआ अति दारू पीते हुए पकड़ा गया था, और सार्वजनिक जगह पे कई जगह से शिकायत आ रही थी कि दारू पीते हैं, वो हंगामा करते हैं। उन सबों को लाया गया और सत्यापन किया गया है, तो किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो सबों को चेतावनी देकर एक मौका दिया गया है। और आम जनता से एक अपील भी है कि सार्वजनिक जगह पे दारू का सेवन ना करें।